नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आपके साथ मैं हूं कविता सिंह। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की अहम खबरों की, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। खुले नौकरियों के दरवाजे, कर्मचारी चयन आयोग की लिखित परीक्षाएं 29 नवंबर से। हिमाचल में 300 पहुंचा कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर पत्नी सहित कोरोना पॉजिटिव, निजी सुरक्षा अधिकारी भी आए चपेट में। 32 मील में पुल के नीचे मिली युवक की लाश, शिनाख्त में जुटी पुलिस। हाथरस प्रकरण पर उबला दलित शोषण मुक्ति मंच, प्रदेश भर में किया धरना प्रदर्शन। समग्र शिक्षा विभाग को केंद्र ने दिए 167 करोड़, शिक्षकों के वेतन सहित ऑनलाइन क्लासरूम बनाने पर खर्च होगा पैसा। हिमाचल में नवंबर के पहले हफ्ते में भी बारिश के कोई आसार नहीं, पर ठंड सताएगी। बिन बारिश सूख गई नकदी फसलें, मुश्किल में सोलन के किसान और बागवान। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल के बेरोजगार युवाओं के लिए गुरुवार खुशखबरी लेकर आया। आज प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने 38 पोस्ट कोड की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया। नौकरी पाने की तैयारी में जुटे युवाओं को इन लिखित परीक्षाओं का लंबे समय से इंतजार था। प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की ओर से फिर प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर चलने वाला है। गुरुवार को आयोग ने 38 पोस्ट कोड के सैकड़ों पदों के लिए लिखित परीक्षाओं के शेड्यूल का ऐलान किया है। ये परीक्षाएं 29 नवंबर से राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में होंगी। सबसे पहले लेबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट कोड 778 की परीक्षा 29 नवंबर को सुबह के सत्र में होगी। इसके बाद मेडिकल लेबोरेटरी तकनीशियन ग्रेड 2, टीजीटी नॉन मेडिकल, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी आर्ट्स, सीनियर असिस्टेंट, होटल सुपरिटेंडेंट, जूनियर ऑफिसर, टीजीटी आर्ट्स आदि पोस्ट कोड की परीक्षाएं होंगी। ये परीक्षाएं 24 जनवरी तक चलेंगी। आयोग ने बयान जारी कर कहा कि अभ्यर्थी परीक्षा से 15 दिन पहले वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। एडमिशन फ्री अबव 90% फॉर बीटेक, एमटेक, बीएचएमसीटी एंड एमटीटीएम। 20% डिस्काउंट इन ट्यूशन फी एंड 100% इन सिक्योरिटी फॉर ऑल द न्यू एडमिशन इन यूजी एंड पीजी कोर्सेज फॉर फुल कोर्स। यूनिवर्सिटी हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द प्रेजेंस ऑफ सीएम हिमाचल प्रदेश। Courses offered: BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM, D-Pharma, B-Pharma, BCom, BCom Honor, BBA, MBA, MCom, BCA, MCA, BSc, Medical and Non-Medical, MSc, Hotel Management. चलिए आगे बढ़ते हैं तमाम खबरों के साथ। प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। आज अंतिम सूचना मिलने तक राज्य में 5 और संक्रमितों के दम तोड़ने से मौत का आंकड़ा 300 पहुंच गया। इसी दौरान 38 नए मरीज सामने आए हैं। देखें ये कोविड अपडेट। हिमाचल प्रदेश में जारी कोरोना के कहर के बीच गुरुवार को अंतिम समाचार तक 5 और संक्रमितों की जान चली गई। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 300 पहुंच गया। इस दौरान राज्य में 38 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 20 केस मंडी जिला में आए हैं। इसके अलावा सोलन में 7, चंबा में 5, ऊना में 4 व हमीरपुर में 2 नए कोविड पीड़ित सामने आए हैं। इन नए मामलों के बाद प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या अब 21,187 तक पहुंच गई है। उधर राहत की बात ये है कि 149 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। राज्य में अब ठीक होने वालों की संख्या 18,328 हो गई है। हालांकि इसके बावजूद 2,530 एक्टिव मरीज हैं। कोरोना वायरस हिमाचल के मंत्रियों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब शिक्षा मंत्री पत्नी सहित पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि वह किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं। जब उन्होंने पत्नी और स्टाफ सहित सुबह रैपिड एंटीजन कोरोना टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उनके साथ निजी सुरक्षा अधिकारी भी संक्रमित निकले हैं। मंत्री ने कहा कि उनका स्वास्थ्य हालांकि बिल्कुल ठीक है, लेकिन चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार वह घर पर आइसोलेट हो गए हैं। उन्होंने आग्रह किया है कि पिछले कल जो भी उनके संपर्क में आए हैं वे अपने स्वास्थ्य की जाँच करवा लें।
पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर 32 मील के पास 40 वर्षीय युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। शव पुल के नीचे मिला है। जवाली थाना के तहत गुरुवार को 32 मील के पास पुल के नीचे 40 वर्षीय रामप्रसाद पुत्र शंकरदास निवासी त्रिलोकपुर का शव मिला है। बताया जा रहा है कि सुबह कुछ लोगों ने सड़क पर एक स्कूटी को खड़े देखा। जैसे ही उनकी नजर साथ लगती खड्ड पर गई तो एक शव दिखाई दिया। सूचना मिलते ही चौकी इंचार्ज संजय शर्मा घटना स्थल पर पहुंचे तथा शव को कब्जे में ले लिया। SHO जवाली प्रशांत सिंह ठाकुर ने कहा कि पुलिस ने केस दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए प्रकरण से हिमाचल प्रदेश दलित शोषण मुक्ति मंच गुस्से में है। गुरुवार को इसकी तपिश प्रदेश भर में देखी गई। हाथरस प्रकरण के विरोध और SC ST अत्याचार निवारण कानून 1989 को सख्ती से लागू करने की मांग को हिमाचल प्रदेश दलित शोषण मुक्ति मंच ने प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में DC ऑफिस चंबा के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। इसके बाद मंच के प्रतिनिधि मंडल ने सहायक उपायुक्त चंबा के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा। इसी तरह शिमला मंडी सरकाघाट सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी धरना प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा विभाग को वार्षिक ग्रांट से 167 करोड़ जारी किए हैं। इससे अब स्कूलों में शिक्षकों के वेतन व ऑनलाइन क्लासरूम बनाने पर फोकस होगा। हिमाचल के शिक्षा सचिव की पिछले सप्ताह ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ हुई समीक्षा बैठक में ग्रांट की डिमांड रखी गई थी, जिसके चलते पहली किस्त केंद्र ने जारी कर दी है। कोविड के दौर में बच्चों की कक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं। केंद्र से मिली ग्रांट से 218 स्कूलों में ICT लैब का निर्माण किया जाएगा, साथ ही 100 और स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू होंगी। इसके अलावा हर स्कूल में लाइब्रेरी बनाई जाएगी। जिन स्कूलों में लाइब्रेरी पहले से बनी हुई है उनके लिए नई किताबें खरीदी जाएंगी। लाइब्रेरी के लिए प्रत्येक स्कूल को 5 से 20 हजार तक ग्रांट मिलेगी। वक्त से पहले बरसात का जाना और अब बारिश का ना होना किसानों के लिए आफत बन गया है। किसानों की नकदी फसलें सूखने के कगार पर पहुंच गई हैं। आइए डालते हैं एक नजर। बारिश ना होने से किसानों को निराशा हाथ लग रही है। आलम यह है कि खेतों में लगाई गई फसल बिना पानी के सूख रही है। सोलन के एक किसान ने बताया कि उनके द्वारा मिर्च की खेती की गई थी, परंतु बारिश न होने से फसल बिल्कुल सूख गई है। लहसुन का भी यही हाल है। बारिश न होने से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिना बारिश प्राकृतिक जल स्रोत भी सूखते जा रहे हैं, जिससे फसलों की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है। और मैं विलेज क्लोड का रहने वाला हूँ। ये हमने 2-3 महीने पहले मिर्चों की खेती की थी, लेकिन अभी ये बुरी तरह से सूख चुकी है, कोई पैदावार इससे निकली नहीं है। और उसके बाद हमने लहसुन की भी खेती की है, लेकिन लहसुन भी बारिश ना होने के कारण बहुत ही बुरी तरह से इनकी भी हालत ख़राब हो चुकी है अभी। और उसके बाद अभी 3 महीने से भी कोई भी बारिश हुई नहीं है। खेती बाड़ी का हालत बहुत ख़राब है। कोई इरीगेशन की फैसिलिटी कुछ है नहीं इस गाँव में, और इस वजह से क्या है किसान क्या है बहुत पीछे होते जा रहे हैं। प्रदेश में करीब 2 महीने से चल रहा सूखे का दौर नवंबर के पहले सप्ताह में भी जारी रहेगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इस दौरान प्रदेश भर में धूप खिली रहेगी, लेकिन तापमान में गिरावट आने के कारण लोगों को सूखी ठंड से दो चार होना पड़ेगा। पेश है ये वेदर रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में नवंबर के पहले सप्ताह के दौरान भी मौसम साफ बना रहेगा, मगर आगामी दिनों के दौरान लोगों को दिन के समय भी ठंड का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग द्वारा प्रदेश में 4 नवंबर तक मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है, और इस दौरान तापमान में और गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है। उधर प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में गुरुवार को मौसम साफ रहा, मगर दोपहर बाद कई जगह बादल घिरने के साथ ही शीतलहरों का दौर शुरू हो गया। इससे अधिकतम तापमान में 1 से 5 डिग्री तक की गिरावट रिकॉर्ड की गई। केलांग के अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा 5 डिग्री तक की गिरावट आंकी गई है। वहीं कल्पा में 2.9 व मनाली का पारा भी लुढ़क कर 2.8 डिग्री तक पहुंच गया है। उधर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश में 4 नवंबर तक मौसम साफ रहेगा। इस दौरान अनेक स्थानों पर धूप खिली रहेगी। और अब चलते चलते हमीरपुर जिला में स्क्रब टाइफस ने पसारे पांव। मेडिकल कॉलेज में उपचार को पहुंच रहे हैं लोग। बंजार के घलिकचा गांव में आग की लपटों का कहर, राख का ढेर बना 2.5 मंजिला मकान। HRTC प्रबंधन को कर्मचारी यूनियन की चेतावनी, दिवाली से पहले मिले नवंबर का वेतन।
और केंद्रीय विद्यालय के कुल सचिव व परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संजीव शर्मा का हार्ट अटैक से निधन। चलिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।